प्रपोज, इस वर्ड को हमने एक ही तरीके से सीखा है, एक ही तरीके से सुना है और एक ही मीनिंग इसकी हम जानते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके कई मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो मीनिंग है इसके कई तरीके होते हैं, इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, इसका सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, एक ही मतलब नहीं होता है ना। तो आप इसे समझो, मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। प्रपोज का मतलब होता है अपना प्रस्ताव रखना, अपना ऑफर रखना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्रपोजेस मी टू हिज बिजनेस। राहुल ने मेरे सामने किस लिए प्रस्ताव रखा? उसके बिजनेस के लिए प्रस्ताव रखा। राहुल प्रपोजेस मी टू हिज बिजनेस, मुझे काय का प्रस्ताव दिया उसने, उसके बिजनेस में एंट्री के लिए उसने मुझे अपना प्रस्ताव रखा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एवरी वन प्रपोजेस डेली टू समवन। हर कोई डेली किसी न किसी को प्रपोज करता है। देखिए, प्रस्ताव हर कोई किसी के सामने रखता है। आप अगर कहीं पर गए हो कुछ लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए, उसने बोला ये 1,000 रुपए का है, आप अपना प्रपोजल रखते हो कि मैं इसे 900 में लूंगा, आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो नहीं दो। उसे भी कहते हैं प्रपोज, प्रस्ताव रखना, अपना प्रस्ताव रखना, अपना ऑफर देना, है ना। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ लेडी प्रपोजेज अ प्राइस टू अ वेजिटेबल सेलर। देखिए वो एग्जाम्पल भी आ गया जो मैं आपको भी समझा रहा था। क्या करती है एक लेडी, एक वेजिटेबल के सेलर के सामने एक प्राइस को प्रपोज करती है, एक प्राइस का प्रस्ताव रखती है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए जो मैं आपको समझा रहा था, प्रपोज इज द वर्ड हैविंग वास्ट मीनिंग। प्रपोज एक ऐसा वर्ड है जिसकी एक फैली हुई मीनिंग है, सिर्फ आप उसे वो मत समझिए जो आप अभी तक समझते आए हैं, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे मीनिंग है, इसको आप कई जगह यूज कर सकते हो। अब मिलते हैं नए वर्ड के साथ, नए वीडियो में, इसी एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए अपने कम्युनिकेशन के लिए, अपने माइंड सेट के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।